अगर आप दरियाए सिंध के साथ साथ सफ़र करें तो देखेंगे कि ये दरिया अपने मब्दा से लेकर समंदर में शामिल हो जाने तक खुश्की के तरह तरह के इकोसिस्टम्स में से गुजरता है। ये सब इकोसिस्टम्स मिलकर हमारा मुल्क बनाते हैं। दरियाए सिंध बुलंद पहाड़ों से अपने सफ़र का आगाज़ करता है, जो साल के बेशतर महीनों में बर्फ़ से ढके रहते हैं और बर्फ़ की वजह से जानदार भी निस्बतन कम तादाद में नज़र आते हैं। पहाड़ों से शुरू होता हुआ ये दरिया जंगलों, मैदानों और सहराओं से गुजरता हुआ आखिरकार समंदर में शामिल हो जाता है। दरिया के साथ सफ़र के दौरान मंजूदारों की कदीम तहजीब के खंडरात भी नज़र आते हैं। मंजूदारों की तहजीब आज से तकरीबन 4000 साल कबल की तहजीब है। ये अपने वक्त का इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। इसका निकासी आब और तरसीले आब का निज़ाम देखकर इसकी आला मनसूबा बंदी का अंदाज़ा होता है। इसके खंडरात से मिलने वाले आर्ट के नमूने, तहरीरें, हथियार वगैरह देखकर मालूम होता है कि ये तहजीब कितनी तरक्की याफ्ता थी। लेकिन 2500 साल कबल ये तहजीब सफाई हस्ती से मिट गई। क्यों? इस अजीम तहजीब के खात्मे के मुतालिक बहुत से मफरूज़े कायम किए गए। यकीनन ये तहजीब किसी एक वजह से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके खात्मे की कई वजूहात होंगी। लेकिन एक वजह जो बयान की जाती है वो हमारे लिए इल्मे हयातियात, खुसूसन इकोलॉजी के हवाले से दिलचस्पी की हामिल है, अगरचे ये भी सिर्फ एक मफरूज़ा ही है। कहा जाता है कि मंजूदारों के लोगों की सरगर्मियों की वजह से इस इलाके के इकोसिस्टम्स का तवाज़ुन बिगड़ता चला गया और बिलाखिर ये माहौल ही ख़त्म होकर रह गया। मसलन माहिरीन के मुताबिक मुसलसल ज़ेरे काश्त रहने की वजह से यहाँ की ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हो गई, जिससे पैदावार मुतासिर हुई। फिर निकासी आब के निज़ाम की ख़राबियों से सेम और थोर के मसाइल पैदा हुए और ज़मीन काबिले काश्त ही ना रही। इमारतों और ईंधन के लिए दरख्त काटे जाते रहे, लेकिन इनकी जगह नए दरख्त नहीं लगाए गए। इस तरह इकोसिस्टम में मुसलसल तब्दीली आती चली गई और ये बतदरीज इंसानी रिहाइश के लिए नामवाकिफ होता चला गया। गौर करें, क्या हमारी सरगर्मियां पाकिस्तान के इकोसिस्टम्स पर बुरे असरात मुरतब नहीं कर रहीं? माहौल पर इंसान और इसकी सरगर्मियों के असरात के हवाले से तीन चीज़ें ख़ास अहमियत रखती हैं। नंबर एक ये कि इंसान इस ज़मीन के तकरीबन हर इकोसिस्टम का हिस्सा है और किसी भी माहौली निज़ाम के हयातियाती अवामिल में इंसान को मुनफरिद हैसियत हासिल है, क्योंकि ये अपनी ज़हानत, महारत और बरतरी की वजह से हर इकोसिस्टम के तबई और हयातियाती अवामिल में अपनी सहूलत के खातिर तब्दीलियां लाता रहता है। मसलन हम जंगल से दरख्त काट लेते हैं,
जड़ी बूटियां और दीकर पौधे अपने जानवरों को खिलाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और यूं जंगल के हयातियाती अवामिल को ख़त्म करते रहते हैं। माहौल पर इंसानी असरात के हवाले से दूसरी अहम चीज़ इंसानों की तादाद और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, जो माहौल को बदलने और ख़राब करने का बाइस बनती है। और तीसरी अहम चीज़ हमारी लगाई हुई सनअतें हैं, जिनमें पैदा होने वाला धुआं और बेकार मादे माहौल को मुसलसल गंदा कर रही हैं। आइए अब इन तीनों नुकात का तफसीलन जायजा लेते हैं। ये ग्राफ 1941 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान की आबादी में इजाफे को जाहिर कर रहा है। ग्राफ को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान की आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ। एक अंदाज़ा है कि इस वक्त हमारी आबादी तकरीबन 12 करोड़ है और अगर इसमें इसी रफ्तार से इजाफा होता रहा तो आइंदा 20 सालों में ये 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया मछली घर में मछलियों की तादाद में एकदम इजाफे से किस तरह मछली घर के इकोसिस्टम का तवाज़ुन बिगड़ा और बिलाखिर ये इकोसिस्टम ही ख़त्म हो गया। ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के इकोसिस्टम्स पर इंसानी आबादी में इस बेपनाह इजाफे के क्या असरात मुरतब हो रही हैं। मछली घर में तो जगह महदूद होती है, इसका साइज़ भी नहीं बढ़ सकता। क्या पाकिस्तान के इकोसिस्टम्स पर भी मछली घर के थे जैसे असरात मुरतब हो सकते हैं? पाकिस्तान की हदूद भी मुतय्यन है और अगर किसी सूरत इसकी हदूद में इजाफा मुमकिन भी हो तो हमारे सैयारे ज़मीन का साइज़ भी तो महदूद है और इसमें इजाफा भी मुमकिन नहीं। हर इंसान को सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए खुराक और रहने के लिए साफ सुथरी जगह चाहिए। सोचिए 12 करोड़ इंसानों को ये सब फराहम करने से माहौल के अवामिल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। माहौल पर इसका पहला असर तो ये पड़ा है कि पाकिस्तान में घास के कुदरती खत्ते तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि या तो हमने इन्हें अपनी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर लिया है या इन पर इमारतें तामीर कर दी हैं। आखिर 12 करोड़ इंसानों को रहने के लिए जगह और खुराक फराहम करना है। घास के कुदरती खत्तों को रिहायशी इलाकों में बदलने से इन इलाकों में गंदगी में भी बेपनाह इजाफा हुआ, जिसके साथ साथ इस गंदगी और इमारतों में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियां, काकरोच, परिंदे मसलन कौवे, चिड़ियां वगैरह भी हमारे साथ साथ आबाद हो गए और इनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमने ज़मीन के एकड़ों के एकड़ किसी एक फसल मसलन गंदुम या चावल की काश्त के लिए मखसूस कर दिए हैं। इससे माहौल में नबातात की कुदरती अकसाम कम या ख़त्म हो गई और इनके साथ इन पौधों से खुराक लेने वाले और इन में रहने वाले जानवर भी ख़त्म हो गए या कम रह गए हैं और यूं माहौल में तैयार कुनिंदगान की तादाद और सारफीन की तादाद का तवाज़ुन बिगड़ गया। ज़रा ये सोचिए कि अगर एक आदमी को रोज़ाना आधा किलो चावल की ज़रूरत है तो 12 करोड़ इंसानों के लिए रोज़ाना कितने चावल चाहिए और इसी हिसाब से 20 करोड़ लोगों को कितने चावल दरकार होंगे। ये लंबा हिसाब हम आप पर छोड़ते हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा चावल ही चाहिए होंगे। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करने के लिए या तो हमें मज़ीद ज़मीन पर काश्त करना होगी या फिर फसलों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना होगा और या ज़्यादा ज़रे मुबादला की ज़रूरत होगी जिससे हम दूसरे ममालिक से अनाज खरीद सकें।
पाकिस्तान में बहुत थोड़ी सी ज़मीन ऐसी रह गई है जो काश्तकारी या रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, और जो ज़मीन ज़ेर काश्त है उसका भी बेशतर हिस्सा सेम और थूर के मसाइल की वजह से ज़ाया हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 40,000 हेक्टर ज़मीन सेम और थूर की वजह से ज़ाया हो रही है। सेम और थूर की शिकार ज़मीन पर पौधों की सिर्फ कुछ ही अकसाम उग सकती हैं। पौधे ज़मीन पर मिट्टी की सतह कायम रखने के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी के ज़र्रात को बाहम बांधे रखती हैं। देखिए इन जड़ों ने किस तरह मिट्टी को बांधा हुआ है। नबातात ख़त्म होते हैं तो मिट्टी को बांधे रखने का ज़रिया ख़त्म होता है, और मिट्टी के ज़र्रात आंधियों और हवा के झक्कड़ों से बिखर कर उड़ जाते हैं। ज़मीन की सतह से मिट्टी की तहें बतदरीज ख़त्म हो जाती हैं, और ज़मीन की सतह पर न पौधे उग सकते हैं न जानवर रह सकते हैं। हमने दरख्त काट काट कर पाकिस्तान के जंगल तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें 47,400 हेक्टर सालाना के हिसाब से काट रही हैं। दरख ख़त्म होते हैं तो ना सिर्फ इनमें आबाद जंगली हयात ख़त्म होना शुरू हो गई है, बल्कि मिट्टी की तहें भी ख़त्म हो रही हैं। यही सिलसिला रहा तो पौधे उगने के लिए मिट्टी भी ना रहेगी। क्या हम मौजूदा काबिले काश्त ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं? पौधों की नई अकसाम जो ज़्यादा फसलें देती हैं उनके लिए खाद की ज़रूरत होती है। कुदरती नामियाती खादें जो गोबर से हासिल होती हैं कम दस्तियाब हैं, क्योंकि गोबर तो बतौर ईंधन जला लिया जाता है। नतीजतन हमें मस्नूई खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। मस्नूई खादें पौधों को ज़रूरी मादे फराहम करती हैं, लेकिन तहलील कुनिंदगान इन्हें अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोबर और दूसरे कुदरती नामियाती मादों को तहलील कुनिंदगान तहलील करके न सिर्फ अपनी खुराक हासिल करते हैं, बल्कि इस अमल के दौरान बहुत से नामियाती मादे बनते और मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह मिट्टी की ज़रखेज़ी बरकरार रहती है। ज़मीन में नामियाती मादों की कमी से मिट्टी खुश्क होकर गर्द की शक्ल अख्तियार कर लेती है। गर्द जैसी मिट्टी में पानी ठहरता नहीं, लिहाजा ये मिट्टी पौधों के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा हम जो कीमियाई खादें और कीड़े मार और जड़ी बूटियां ख़त्म करने वाले कीमियाई मादे पौधों और मिट्टी में डालते हैं, वो बारिश के पानी के साथ बहकर नालों, नदियों, दरियाओं और बिलाखिर समंदरों के पानी में शामिल होकर इनमें मौजूद हयातियाती अवामिल को ख़त्म कर देते हैं, और इस तरह इन इकोसिस्टम्स की अहम ग़िज़ाई कड़ियाँ, जंजीरें और बिलाखिर ग़िज़ाई जाल ख़त्म हो जाते हैं, और यूँ पूरे इकोसिस्टम ही बदल जाते हैं बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। क्या हम इस सूरत हाल को दुरुस्त कर सकते हैं? किसानों को ज़मीन के सही इस्तेमाल और काश्तकारी के जदीद और बेहतर तरीक़ों से रोशनास करके हम किसी हद तक तो इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम आबादी के सैले रवा पर बंद नहीं बांधते इन मसाइल से मुकम्मल निजात मुमकिन नहीं। ये तो थे खुराक, पानी, हवा और रहने की जगह हासिल करने के माहौल पर असरात। आइए अब ज़रा माहौल में साफ पानी और हवा की दस्तियाबी की सूरत हाल का जायज़ा लें। इस सिलसिले में हमें तीन बातों पर गौर करना है: महदूद जगह पर आबाद लोगों की तादाद, लोगों के रवैये और सनअतों का क़याम और फैलाव। देही आबादियाँ गुंजान नहीं होती,
बल्कि दूर दूर बिखरी होती हैं। देहातों में इंसान की सरगर्मियों से पैदा शुदा फाजिल मादे और दूसरे जानदारों के बेकार मादे हवा और पानी की तरकीब को ज़्यादा मुतासिर किए बगैर इसमें शामिल हो जाते हैं। ईंधन से पैदा शुदा धुएं को हवा उड़ाकर दूर ले जाती है। दूसरे फाजिल मादे बासानी मिट्टी में तहलील हो जाते हैं। इनकी मकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ज़मीन की तहों में मौजूद पानी में शामिल होकर इसे आलूदा कर दें, और यूं कुओं का पानी और हवा पाक साफ रहते हैं। लेकिन गुंजान आबाद शहरों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। मसलन आज से चंद ही साल पहले इस्लामाबाद में आबादी निस्बतन कम थी। जगह जगह पाक और शफाफ पानी के चश्मे नज़र आते थे, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ गंदगी में इजाफा हुआ और आज ये खूबसूरत कुदरती चश्मे शहर की बदबूदार गंदगी से भरपूर बदरुएं बन गए हैं। हमारे देही और शहरी इलाकों के 7 करोड़ से ज़्यादा लोग साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। क्या इन मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है? लेकिन अगर हम अपनी आदतों और रवैयों को बदल लें तो कोई वजह नहीं कि हमारी हवा पानी और घर शहर साफ सुथरे ना हों। क्या आप भी अपने घर का कूड़ा करकट यूं सड़कों पर और गलियों में फेंकते हैं? क्या आपके घरों का भी गंदा पानी करीबी नाले में शामिल होता रहता है? क्या आपके घर में भी कोई धुआं उड़ाती गाड़ी है? क्या आप भी सिगरेट पीकर अपने और दूसरों के माहौल को धुएं से आलूदा करते हैं? अगर इनमें से एक सवाल का जवाब भी हाँ में है तो यकीन कीजिए आप भी अपने इकोसिस्टम की तबाही और बर्बादी में बराबर के शरीक हैं। इन सब आदात और रवैयों से पूरा सिस्टम मुतासिर होता है। मसलन ताज़ा पानी की नहरों में गंदगी शामिल करके हमने इनमें मौजूद हयात को ख़त्म कर दिया है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये गंदा पानी जब दरियाओं और समंदरों में शामिल होता है तो इनमें मौजूद हयात को भी ख़त्म कर देता है। इसी तरह गाड़ियों सिगरेटों का धुआं सिर्फ हमें फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला नहीं करता बल्कि माहौल में मौजूद दूसरे जानदारों पर भी अरसा हयात तंग करता है। हम न सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तमाई सतहों पर भी माहौल की आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। बढ़ती हुई सनअती तरक्की नई फैक्ट्रियों का क़याम भी आलूदगी में इजाफे का बहुत बड़ा सबब है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के लिए सनअतों की ज़रूरत है, लेकिन हम ये खुशहाली लोगों की ज़िंदगी को दाव पर लगाकर हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़रा सी मंसूबा बंदी और सही तरीके से सनअतें लगाई जाएं, तो आलूदगी का मसला कम हो सकता है। ज़रूरत यह है कि सनअतों से निकलने वाला जहरीला धुआं और दूसरे फाजिल मादे इखराज से पहले ही इस तरह तल्फ कर दिए जाएं कि वो हवा और पानी में शामिल ना हो सकें। मसलन फैक्ट्रियों में फ़िल्टर्स लगाकर धुएं के जहरीले मादे निकाल लिए जाएं ताकि खारिज होने वाला धुआं जहरीला ना रहे। हमें चाहिए कि वज़ा किए गए उसूलों के तहत सनअतें लगाएं और इन पर सख्ती से कारबंद रहने में तआवुन करें। हमें याद रखना चाहिए कि माहौल में शामिल होने वाला आलूदा कार दूसरे जानदारों के अलावा हमारे लिए भी ख़तरनाक है, और अगर ज़मीन से दूसरे जानदार ख़त्म हो गए तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या हम अपने इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क में आलूदगी का मियार बैनुल अक्वामी सतह पर मुकरर करदा
معیار آلودگی سے 2.4 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ہم آلودگی کی وہ حد پار کر چکے ہیں جس کے اندر ایکو سسٹم کو خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم منجوداروں کی طرح اپنی تہذیب کا خاتمہ نہیں چاہتے تو ہمیں اپنے خاندان کو 2 بچوں تک محدود کرنا ہوگا، ماحول کو صاف ستھرا اور قابل رہائش بنانا ہوگا۔ اس دنیا میں موجود تمام جاندار دوسرے جانداروں کے ہاتھوں امراض سے، حادثات میں یا طبعی عمر کی تکمیل پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں جانداروں کی تعداد میں کمی ہوتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جاندار ختم ہوتا ہے وہاں اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے جیسے جاندار تولید یعنی ریپروڈکشن کے عمل سے پیدا کر کے اپنی نسل کی تعداد میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ عزیز طلباء، مختلف جانور مختلف طریقوں سے اپنی نسل کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ بعض جانور بچے پیدا کرتے ہیں جبکہ بعض جانور انڈے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پودوں میں بھی تولید کا عمل مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام پودوں میں تولید یعنی ریپروڈکشن کے بارے میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر پودے اگانے کے لیے عموماً بیج یا تخم بوئے جاتے ہیں۔ کئی خودرو پودے بھی اسی طرح اگتے ہیں، یعنی اکثر پودوں میں عملے تولید بیجوں یا تخم سے نئے پودے اگ کر ہوتا ہے، مگر سب پودے بیجوں سے نہیں اگتے۔ بعض پودوں میں پودے کے کسی نباتاتی حصے مثلاً شاخ، تنے، پتوں یا جڑ سے بھی نئے پودے اگتے ہیں۔ اس قسم کی تولید کو نباتاتی یا غیر تخمی تولید کہتے ہیں، یعنی عملے تولید کا دوسرا طریقہ غیر تخمی یا نباتاتی عملے تولید ہے۔ عزیز طلباء، آئیے دیکھتے ہیں کہ پودوں میں تخمی تولید کس طرح ہوتی ہے اور بیج کس طرح بنتے ہیں۔ آپ نے پھلوں کو کاٹتے ہوئے اکثر غور کیا ہوگا کہ پھل کے اندر بیج موجود ہوتے ہیں، یعنی پہلے پھول بنتا ہے، پھول کے اندر بیج اور پھر یہ دونوں سبزی یا پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آئیے اس طرح دیکھیں، جیسے یہ ٹماٹر کے اندر آپ کو بیج نظر آ رہے ہیں، اسی طرح یہ آپ غور کریں، کھیرے کے اندر بھی آپ کو بیج نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح مرچ میں، اس کے علاوہ امرود میں، اور اس کے علاوہ یہ مالٹے میں بھی۔ گویا پھل میں بیج بنتا ہے اور پھل خود پھول سے تشکیل پاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پھول میں بیج کس طرح بنتا ہے، اس کے لیے پھول کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، یہ ایک سادہ پھول ہے، اس میں ہمیں مختلف حصے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے باہر سبز رنگ کی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں، ان کو سیپلز کہا جاتا ہے۔ سیپلز کے مجموعے کو
कीलक्स कहते हैं। इसके अंदर की तरफ आपको ये रंगीन पत्तियाँ नज़र आती हैं। इन रंगीन पत्तियों को पेटल्स कहा जाता है। पेटल्स के मजमूए को करोला कहते हैं। कीलक्स और करोला दोनों मिलके फूल का गैर तोलीदी हिस्सा बनाते हैं। आइए देखें, इसके अंदर आपको मज़ीद कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं। हमने इसकी रंगीन पत्तियों यानी पेटल्स को हटा दिया है। ये देखें, आपको तारों का एक हल्का नज़र आ रहा है। इसके नीचे वाला हिस्सा डंडीनुमा जबकि ऊपर फूला हुआ हिस्सा है। इस नीचे वाले हिस्से को फिलामेंट जबकि ऊपर वाले फूले हुए हिस्से को एंथर कहा जाता है। इस पूरी साख को स्टेमन कहते हैं और ये फूल का नर हिस्सा बनाते हैं। इनके मजमूए को एंड्रोशियम कहा जाता है। फूल का ये हिस्सा देखें, ये सुराहीदार नज़र आता है। ये सुराही का ऊपर वाला हिस्सा, ये उसकी गर्दन और नीचे उसका पैंदा नज़र आता है। ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा, उसकी गर्दन को स्टाइल और नीचे पैंदे को ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। इस पूरी साख्त को कार्पल या पिस्टल कहा जाता है। इनके मजमूए को गाइनेशियम कहा जाता है। ये फूल का मादा हिस्सा बनाते हैं। ये तो थे फूल के मुख्तलिफ हिस्से। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि फूल में बीज किस तरह बनते हैं। आप जानते हैं कि फूल जानदार होते हैं, इसलिए ये भी खलियों से मिलकर बने होते हैं। बीज नर और मादा खलियों के मिलाप से बनते हैं। ये देखिए, ये एक नर खलिया है, इसको मेल गैमेट भी कहा जाता है, जबकि ये एक मादा खलिया है, इसको फीमेल गैमेट भी कहा जाता है। नर खलिया और मादा खलिया दोनों बहम आपस में मिलकर एक नया खलिया तश्कील देते हैं, जिसको जाइगोट कहा जाता है। नर खलिये और मादा खलिये के बहम मिलने के अमल को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद जाइगोट तकसीम दर तकसीम के अमल से खलियों का एक ग्रुप बनाता है, जिसको जाइगोट की तकसीम कहते हैं। इसके बाद यही जाइगोट नन्ना पौधा या एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखिए, इस बीज में ये नन्ना पौधा यानी एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं एंथर्स में मेल गैमेट्स और ओवरी में फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ये एक स्टीमन है, इसका ये फूला हुआ हिस्सा एंथर्स कहलाता है। एंथर्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये देखिए, पोलन ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। पोलन ग्रेन दरअसल एक खलिया होता है। ये देखिए, ये एक पोलन ग्रेन है, इसमें आपको ये एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, जबकि इसके गिर्द दोहरा गुलाफ होता है। ये अंदरूनी झिल्ली है, जबकि बाहर वाला गुलाफ मोटा और कांटेदार होता है। इसी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट नमू पाता है। फीमेल गैमेट फूल के मादा हिस्से यानी कार्पल में होता है। ये ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल में बनता है। अब फूल का कार्पल लेकर अगर उसे लंबाई के रुख काटें तो उसकी साख कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये आप कार्पल का अमूदी तराशा देख रहे हैं। इसके अंदर ये बैजवी शक्ल दिखाई दे रही है। याद रखें कि मुख्तलिफ फूलों में ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की तादाद और उनकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। आइए अब एक ओव्यूल की साख देखते हैं। ये देखिए, ये एक ओव्यूल है, इसके गिर्द दो दीवारें हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट जबकि ये दीवार इनर इंटेगुमेंट कहलाती है। दोनों दीवारें एक मुकाम से एक दूसरे से अलग-अलग होती हैं और एक रास्ता बनाती हैं, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। ये देखिए, माइक्रोपाइल से अंदर की तरफ देखें तो आपको ये एक बैजवी शक्ल नज़र आती है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर मुख्तलिफ खलिये आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये तीन खलिये नीचे की तरफ और ये तीन खलिये ऊपर की तरफ। इन
ऊपर वाले खलियों में से दरमियान वाला खलिया ओस्फियर एग या अंडा कहलाता है, जबकि दरमियान में आपको ये साख्त नज़र आ रही है, इस साख्त को फ्यून न्यूक्लियस कहा जाता है। ये देखिए, ये फ्यून न्यूक्लियस। मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने के लिए ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन पहले पौधे के मादा हिस्से यानी कार्पल तक पहुँचे। इसके लिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचता है और फिर वहाँ से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक यानी ओव्यूल के अंदर पहुँचता है। अगर एक ही फूल के पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरें तो इस अमल को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर एक फूल के पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिल हों या किसी और पौधे के किसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हों तो इस अमल को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन के बाद दूसरा आम मरला मेल गैमीट का ओव्यूल के अंदर दाखिल होना है ताकि दोनों गैमीट्स बाहम मिल सकें। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा की सतह के ऊपर गिरता है तो उसकी चमकदार सतह से चिपक जाता है। इस मरला पर पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है, एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दो मेल गैमीट्स बनाता है, जबकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसी तरह ही रहता है। इसको कभी कभी ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर गिरता है तो कुछ देर के बाद उसकी बैरूनी दीवार फट जाती है और अंदर की झिल्ली एक ट्यूब की शक्ल में बढ़ना शुरू होती है। इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहा जाता है और फिर ये ट्यूब माइक्रोपाइल के ज़रिए ओव्यूल के अंदर दाखिल हो जाती है। इसके अंदर मौजूद दोनों मेल गैमीट्स और वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब के सिरे पर पहुंच जाते हैं। इस मरहला पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पोलन ट्यूब का सिरा फट जाता है और दोनों मेल गैमीट्स बाहर आ जाते हैं। एक मेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज करता है जबकि दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। इस मरहले पर ओव्यूल के अंदर मौजूद बाकी खलिये ख़त्म हो जाते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से बनने वाला खलिया यानी जाइगोट तकसीम दर तकसीम के अमल से एक नन्ना पौधा यानी एम्ब्रियो बना देता है, जबकि दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है जिससे खलियों का एक नया ग्रुप बनता है जो कि एम्ब्रियो की खुराक बनाता है। एम्ब्रियो ये खुराक इस्तेमाल करके नन्हे पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में भी काफ़ी तब्दीलियां होती हैं। इंटेगुमेंट सख्त और मोटा होकर बीज का बाहर का छिलका बना लेता है। ये देखिए, आपको बीज का छिलका नज़र आ रहा है। इंटेगुमेंट्स में मौजूद माइक्रोपाइल उसी तरह मौजूद रहता है, ये माइक्रोपाइल नज़र आ रहा है। बीज माइक्रोपाइल के ज़रिए पानी जज़ब करके नमू पाता है। अक्सर पौधों में ओवरी फल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसीलिए इन पौधों के बीज फल के अंदर बंद होते हैं। हमने देखा कि तुख्मी तौलीद के लिए फूल के नर और मादा खलियों का बनना ज़रूरी है, इसी तरह इन खलियों का बाहम मिलाप भी ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह की तौलीद को जिंसी तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, आइए अब बीज की साख्त का मुतालिया करें ताकि हम देख सकें कि बीज के कौन से हिस्से नए पौधे की शक्ल इख्तियार करते हैं। साख्त के इतबार से बीज दो तरह के होते हैं, एक डालिया यानी मोनोकॉटिलीडेंस और दो डालिया यानी डाइकॉटिलीडेंस। यानी कुछ बीजों में सिर्फ एक डाल यानी कॉटिलीडन होती है, मसलन, जबकि कुछ बीजों में दो दालें यानी दो कॉटिलीडन्स होती हैं, मसलन चना और लोबिया। इन बीजों में से कुछ को हमने पहले से ही पानी में भिगोकर रखा हुआ है ताकि इनकी अंदरूनी साख बआसानी देखी जा सके। देखिए, चने के बीज को हल्के से मसला जाए तो ये दो दालें अलग अलग हो जाती हैं, यानी ये दो दालिये हैं।
गंदम के दानों को खा कितना भी मसला जाए, ये दो में तकसीम नहीं होते, क्योंकि ये एक दालिये हैं। आइए अब बीज की साख्त का मुताला करें। इसके लिए हमने चने का बीज मुंतखब किया है। इससे आपको बीज की अमूमी साख्त का अंदाज़ा हो जाएगा। ये चने का बीज है। ये एक तरफ से गोलदार जबकि दूसरी तरफ से गोल होता है। इसके ऊपर एक सख्त छिलका है जिसे टेस्टा कहा जाता है। ये देखिए, इस सख्त छिलके के अंदर एक बारीक झिल्ली होती है, इसे टैगमैन कहते हैं। नोकदार सिरे के करीब एक सुराख है, इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है, जिससे बीज पानी जज़ब करता है। इसके करीब ही ये एक नन्ना सा सुराख है, इसको हाइलम कहा जाता है। बीज हाइलम के ज़रिए अपनी डंडी से जुड़ा होता है। और ये दो दालें हैं यानी कॉटिलीडन्स। इन दो दालों को अलग करें तो दरमियान में एम्ब्रियो नज़र आता है। एम्ब्रियो के दो हिस्से होते हैं यानी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की नोक प्लूमूल कहलाती है जबकि हाइपोकोटाइल का सिरा रेडिकल कहलाता है। प्लूमूल तना और पत्ते बनाता है जबकि रेडिकल जड़ तश्कील देता है। आइए अब हम देखते हैं कि बीज बोने के बाद एम्ब्रियो से नया पौधा किस तरह तश्कील पाता है। एम्ब्रियो से नए पौधे की तश्कील के अमल को जर्मिनेशन कहा जाता है। जर्मिनेशन के अमल के मुताला के लिए हमने चने के बीज उगाए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये बीज पानी जज़ब करके खासा नरम पड़ चुका है, यानी कि इसमें एम्ब्रियो अभी नशोनुमा पा रहा है। जबकि इस बीज के अंदर ये देखिए, रेडिकल खासा बड़ा हो चुका है, जबकि इसका प्लूमूल छोटे से तने की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इस बीज को उगाए हुए खासे दिन गुजर चुके हैं। देखिए, इसका रेडिकल खासा बड़ा हो चुका है, जबकि इसका प्लूमूल एक छोटे से तने और उसके ऊपर छोटे छोटे पत्तों की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये देखिए, इस बीज को नशोनुमा पाए हुए खासा अरसा गुजर चुका है। इसका तना देखिए खासा बड़ा हो चुका है और उसके ऊपर मज़ीद पत्ते बन रहे हैं, जबकि इसका रेडिकल छोटी सी जड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आइए देखें चने के इस बीज में जर्मिनेशन किस तरह हो रही है। ये एक गैर मुसलसल लाइन है। देखिए, इसके नीचे वाला हिस्सा ज़मीन को ज़ाहिर करता है, जबकि इससे ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन से बाहर का हिस्सा है। आप देखें कि इसका एपिकोटाइल ज़मीन से बाहर है, जबकि इसका हाइपोकोटाइल और प्राइमरी रूट्स वो ज़मीन के अंदर हैं। इसी तरह इसकी कॉटिलीडन्स यानी दालें वो भी ज़मीन के अंदर ही हैं। इस तरह की जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। आइए अब इस दूसरी तरह की जर्मिनेशन में देखें। बिल्कुल उसी तरह ये गैर मुसलसल लाइन ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा, जबकि गैर मुसलसल लाइन के ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन से बाहर का हिस्सा ज़ाहिर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एपिकोटाइल और कॉटिलीडन्स यानी दालें ये दोनों ज़मीन से बाहर हैं, जबकि हाइपोकोटाइल वो ज़मीन के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे दालें ज़मीन से बाहर हैं, इसलिए इस तरह की जर्मिनेशन को एपिजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम की ख़ास ख़ास बातों को फिर दोहरा लेते हैं। नंबर एक, जानदारों की तादाद के बढ़ने के अमल को तौलीद यानी रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नंबर दो, पौधों में अमले तौलीद दो तरह से होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नबाताती तौलीद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिंसी अमले तौलीद। नंबर तीन, बीज के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। नंबर चार, एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो नमू पाकर पौधे की जड़, शाखों और पत्तों वगैरह की सूरत इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम
पौधों में अमले तोलीद यानी रिप्रोडक्शन के बारे में था। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।